20 फीट बाय 55 फीट का एक हाउस प्लान हम आज समझने वाले हैं, जो 3D कट सेक्शन में हमने बनाया था और कस्टमर के लिए बनाया था और कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया था। तो पूरा डिटेल प्लान मैं आपको 3D कट सेक्शन में समझाने वाला हूँ, उसके बाद में इसका जो नक्शा हमने बनाया था वो नक्शा भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और उसे भी समझाने वाला हूँ, ताकि और भी डिटेल में प्लान आपको समझ में आए। तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन सा प्लान है आपको आपके घर के लिए, आपके या आपके प्लान के लिए। इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो आइडियाज आ सकते हैं, तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। मेरा नाम डी के लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिजाइंस और उसी के साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में हर तरह की जानकारी चैनल पर लाने की कोशिश करते रहता हूँ। तो सबसे पहले 20 फीट जो है इस प्लॉट का फ्रंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेन गेट बताया गया है। गेट से जैसे ही एंट्री करेंगे तो हमको यहाँ पर पार्किंग के लिए एरिया मिलता है। और उसके बाद में ये प्लान में आपको और भी समझ में आ जाएगा ये कार पार्किंग के लिए कितना एरिया मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस बताया गया है ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए, मतलब ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए। तो यहाँ से हमारी सीढ़ी स्टार्ट होती है, आप देख सकते हैं, और उसके बाद में हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस टाइप में ये सीढ़ी बनाई गई है, इसको और भी डिटेल में आप देख सकते हैं। तो इस टाइप में ये क्रॉस में ये सीढ़ियाँ बनाई गई है। तो प्लान में और भी डिटेल समझ में आ जाएगा, पूरा डायमेंशन आपको समझ में आ जाएगा इसमें। फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने डायमेंशन डाल रखे है 6 फीट बाय 10 फीट 9 इंच है यहाँ तक। और उसके बाद में आगे बढ़ते देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमको कुछ पैसेज मिलता है, यहाँ पर दो विंडोज मिल रहे हैं, यहाँ पर हमें पैसेज मिल रहा है, इस पैसेज से हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वरांडा है हमारा और इस वरांडे से हम एंट्री करेंगे यहाँ से इस मेन डोर से लिविंग रूम में। देखिए हमारा ये जो है मेन डोर रहेगा, यहाँ से जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो हम हमारी एंट्री कर सकते हैं हमारे लिविंग रूम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिविंग रूम बताया गया है, यहाँ पर टीवी यूनिट बताया गया है और उसके बाद में यहाँ पर सोफा सेट वगैरह बनाया गया है। और इस रूम का साइज़ जो हमको मिलता है लगभग 10 फीट बाय 15 फीट का, मतलब 10 फीट बाय 15 फीट का, जो काफ़ी अच्छा साइज़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एंट्री की थी इस डोर से यहाँ पर, और यहाँ पर सोफा सेट और यहाँ पर हमारा टीवी यूनिट बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पर एक आर्च रहेगा, देखिए आप देख सकते हैं आर्च से हम एंट्री करेंगे हमारे इस पैसेज में, कॉमन पैसेज है। तो यहाँ पर हम एंट्री कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर आ चुके हम। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो राइट साइड में हमको यहाँ पर एक बाथरूम का डोर मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ से हम बाथरूम में एंट्री कर रहे हैं, बाथरूम का साइज़ हमको मिलता है 5 फीट 7 इंच बाय 3 फीट 6 इंच का। उसके बाद में आगे बढ़ते देखिए, फिर से एक डोर हमको नज़र आता है, उसी के बगल में यहाँ पर हमारा टॉयलेट का डोर है और इसका साइज़ जो हमको मिलता है लगभग 3 फीट 6 इंच बाय 3 फीट का, ठीक है। और उसके बाद में फिर से उसी के साइड में यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक आँच रहेगा, मतलब ये OTS दिया गया है वेंटिलेशन के लिए। आप देख सकते हैं 4 फीट बाय 2.5 फीट का यहाँ पर ये पूरा जो है OTS रखा गया है, मतलब यहाँ पर हम कोई भी स्लैब नहीं डालेंगे। तो यहाँ से ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम को, इस बाथरूम को वेंटिलेशन मिल सकता है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हमको एक डोर नज़र आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डोर से हम एंट्री करने वाले हैं हमारे इस बेडरूम में। और इस बेडरूम का साइज़ जो हमको मिलता है लगभग 9 फीट 1 इंच बाय 11 फीट का, मतलब 9 फीट 1 इंच बाय 11 फीट का, जो काफ़ी अच्छा साइज़ है। और इस बेडरूम को फ्रंट साइड में विंडो बताया गया है इस पैसेज में, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक विंडो रहेगा और ऊपर वेंटिलेटर रहेगा वेंटिलेशन के लिए। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं देखिए, फिर से हमको एक डोर नज़र आता है, ये जो डोर है हमारे मास्टर बेडरूम का डोर बताया गया है। और इस बेडरूम का साइज़ जो हमको मिलता है लगभग 9 फीट बाय 12 फीट 2 इंच का, मतलब 9 फीट बाय 12 फीट 2 इंच का हमको ये मास्टर बेडरूम का साइज़ मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं टीवी यूनिट बताया गया है, यहाँ पर सोफा सेट बताया गया है। और उसके बाद में देखिए आप देख सकते हैं इसको एक अटैच वाला बाथरूम दिया गया है जो अंदर से यूज़ होता है। आप देख सकते हैं इसका डोर जो हमको यहाँ से नज़र आता है, तो ये जो है हमारा मास्टर बेडरूम आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंट्री हमारी इस डोर से हो रही है, आप देख सकते हैं, और ये बाथरूम का डोर है कॉमन वाले बाथरूम का। यहाँ पर बेडरूम है, बेडरूम को यहाँ पर एक विंडो बताया गया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इस साइड में पीछे साइड में एक OTS छोड़ा गया है तो यहाँ से इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिल सकता है। फिर से वापस आते हैं हमारे इस पैसेज में, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको एक डोर नज़र आता है लेफ्ट साइड में, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आँच रहेगा, यहाँ पर कोई भी डोर नहीं लगा सकते, मतलब डोर भी लगा सकते हैं या तो फिर इसे खुला भी छोड़ सकते हैं। तो ये किचन का है इसलिए इसके डोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से हम एंट्री करेंगे हमारे किचन में, किचन का साइज़ हमको मिलता है लगभग 9 फीट 1 इंच बाय 12 फीट 2 इंच का, मतलब 9 फीट 1 इंच बाय 12 फीट 2 इंच का, जो काफ़ी अच्छा साइज़ है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमने किचन ओटा बताया है, यहाँ पर एक डोर बताया है पीछे की गैलरी यूज़ करने के लिए, पीछे का वॉश एरिया यूज़ करने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉश एरिया बताया गया है। और ये वेंटिलेशन के हिसाब से रहेगा, यहाँ पर हम ऊपर स्लैब नहीं डालेंगे इसलिए ये OTS हम इसे कह सकते हैं, लेकिन नीचे ये पूरा पूरा जो है यूज़ होने वाला है। तो
तो आप देख सकते हैं इस टाइप में लगभग 1100 स्क्वायर फुट में ये जो है पूरा प्लान हमने बनाया था। पूरा वेंटिलेशन का ख्याल रखा गया है, आप देख सकते हैं हर तरफ से वेंटिलेशन मिल रहा है। और क्योंकि हमारे प्लॉट में एक ही रोड है फ्रंट साइड में, बाकी तीनों साइड जो है पैक है, मतलब दूसरों के प्लॉट से दूसरे की ज़मीन है, फिर भी हमने वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखा गया है। और आप देख सकते हैं बेडरूम भी लगभग 3 बेडरूम बताया गया है, मतलब 3 BHK हाउस प्लान है। 1100 स्क्वायर फीट में 3 BHK हाउस प्लान विद कार पार्किंग बनाया गया है, जो काफ़ी अच्छा है और पूरा जगह का इस्तेमाल किया गया है। अब इसका नक्शा जो किस टाइम में बना था वो भी एक बार देख लेते हैं और शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं इस साइड में रोड बताया गया था, यहाँ पर हमने मेन गेट बताया है, पार्किंग का एरिया हमने आपको आप देख सकते हैं हमने नहीं बताया था, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बताते हैं 8 फीट 2 इंच बाय 15 फीट 6 इंच का हमको यहाँ पर कार पार्किंग का एरिया मिलता है, मतलब यहाँ पर हम आराम से हमारी कार खड़ी कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टेयरकेस बताया गया, आप देख सकते हैं 3 फीट वाइड स्टेयर है और उसके बाद में इस यहाँ से स्टार्ट होती है सीढ़ी और उसके बाद में यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। स्टेयरकेस के नीचे का पोर्शन हम यूज़ कर सकते हैं हमारे हिसाब से कुछ सामान वगैरह स्टोर करने के लिए। यहाँ पर 3 फीट 2 इंच का पैसेज है, यहाँ से एंट्री करेंगे इस वरांडे में, 4.5 फीट का वरांडा है, यहाँ से एंट्री करते हैं हमारे लिविंग रूम में, 15 फीट बाय 10 फीट का हमको लिविंग रूम का साइज मिलता है। और लिविंग रूम को यहाँ पर टीवी यूनिट और यहाँ पर सोफा सेट बताया गया है। यहाँ पर एक डोर है, डोर से एंट्री करेंगे हमारे इस बेडरूम में, फर्स्ट वाला बेडरूम है, 10 फीट बाय 9 फीट का इस बेडरूम का साइज बताया गया है। यहाँ पर एक विंडो बताया है तो बेडरूम को वेंटिलेशन यहाँ से मिलेगा, अगर चाहे तो यहाँ पर भी एक छोटा सा विंडो लगा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमने आपको बताया था यहाँ से इस पैसेज में एंट्री करने वाले हैं, राइट साइड में यहाँ पर बाथरूम है, 5 फीट 7 इंच बाय 3 फीट 6 इंच का इसका साइज़ है। कॉमन टॉयलेट बाथरूम है फ्रंट में 3.5 फीट बाय 3 फीट का। और उसके बाद में यहाँ पर एक OTS हमने बताया था, आप देख सकते हैं इस टाइप में ये OTS है 4 फीट बाय 2.5 फीट का, ये वेंटिलेशन के हिसाब से काफ़ी ज़रूरी है। और उसके बाद में लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक बेडरूम बताया है, सेकंड वाला बेडरूम है, 9 फीट 1 इंच बाय 11 फीट का इस बेडरूम का साइज़ बताया है। और इस बेडरूम को फ्रंट साइड में विंडो बताया है जैसे कि डिज़ाइन में हमने आपको बताया था। और आगे बढ़ते देखिए लेफ्ट साइड में हमको किचन मिलता है, 9 फीट 1 इंच बाय 8 फीट 9 इंच का यहाँ तक इसका किचन का साइज़ है, लेकिन यहाँ पर 3 फीट जो एक्स्ट्रा मिलता है। और उसके बाद में यहाँ पर एक छोटा सा पूजा रूम भी एडजस्ट किया गया है और किचन को पीछे साइड में वॉश एरिया बताया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डोर है, यहाँ पर एक विंडो हमने बताया था। और उसके बाद में फिर से वापस आते हैं इस पैसेज में, यहाँ से हम एंट्री करेंगे हमारे इस बेडरूम में, थर्ड वाला बेडरूम है हमारा, तीसरा बेडरूम है, 9 फीट बाय 12 फीट 2 इंच का जो है इस बेडरूम का साइज़ बताया गया है। और यहाँ पर इसको अटैच वाला बाथरूम बताया है 5 फीट 7 इंच बाय 4 फीट का जो अंदर से यूज़ होने वाला है। और इस बेडरूम को यहाँ पर विंडो है तो यहाँ से इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो है OTS रहेगा, तो इस टाइप में 20 फीट बाय 55 फीट का जो है ये पूरा जो है प्लान था, मतलब लगभग 1100 स्क्वायर फुट का। तो आपको ये प्लान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, इस प्लान में आप क्या क्या सुधार कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, आप हमको सुझाव दे सकते हैं। आपके शेयर से किसी की मदद हो सकती है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे नए नए प्लान नए नए डिज़ाइन जो है आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको भी प्लान किया डिज़ाइन की जरूरत है, डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिस का नंबर बताया गया है, वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारी क्या फीस होती है, क्या प्रोसेस होती है, उसकी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।